अंजु मित्तल का आप सभी को नमस्ते। बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्तू के लड्डू बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये लड्डू गर्मी की लू से बचने के लिए खास है, तो आइए सत्तू के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम हमने बूरा लिया है, 200 ग्राम हमने शुद्ध घी लिया है, 125 ग्राम हमने जौ का सत्तू लिया है, 125 ग्राम हमने चने का सत्तू लिया है, 8-10 हमने पिस्ते ले लिए हैं सजावट के लिए, 5-7 हमने इलायची ले ली है फ्लेवर के लिए, स्वाद के लिए हमने 10-12 बादाम 10-12 काजू ले लिए हैं। सबसे पहले हम बादाम और काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, तो आइए काटते हैं। सत्तू के बहुत सारे फायदे हैं। डायबिटीज़ यानी कि शुगर के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये पाचन में मदद करता है। बादाम और काजू को हमने छोटा छोटा काट लिया है। पिस्तों को हम अलग प्लेट में काटेंगे क्योंकि ये हमें सजाने के लिए अलग से चाहिए। पिस्ते हमारे कट गए हैं। इलायची को छील कर हम दरदरा कूट लेते हैं। इलायची के हम दाने बाउल में एक तरफ कर लेंगे और इनके छिलकों को अलग कर देते हैं, ये भी हमारे चाय में काम आएंगे। इलायची हमने छील ली है। अगला प्रोसेस है हमारा, लो फ्लेम पर कढ़ाई रख देते हैं। शुद्ध घी हम डाल देंगे। घी हम थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ा घी हम बचा लेते हैं, ज़रूरत होगी तो बाद में डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जौ का सत्तू। अब हम डालेंगे इसमें चने का सत्तू। सत्तू पहले से ही रोस्टेड है यानी कि भुना हुआ तो है ही पहले से। हम कढ़ाई में थोड़ा घी और डाल देते हैं। सत्तू को हमने बिल्कुल थोड़ा सा भून लेंगे। सत्तू को हम इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे, आग धीमी और मीडियम रखेंगे। घी को हमने इतना डालना है कि घी सत्तू में गीला हो जाए। थोड़ा सा घी हम और डाल देते हैं। इसमें हम बादाम और काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे क्रिस्पी कर लेंगे, 1-2 मिनट लगेंगे। अब ड्राई फ्रूट हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम दरदरी कुटी हुई इलायची डाल देते हैं। सत्तू और ड्राई फ्रूट भूनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सत्तू को 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अगर हम गर्म में चीनी मिलाएंगे तो ये पानी छोड़ देगा। सत्तू हमारा ठंडा हो गया है। अगला प्रोसेस है हमारा, अब हम मिलाएंगे बूरा। अगर हम गर्म सत्तू में बूरा मिला देते तो हमारा मिश्रण पतला हो जाता। बूरा वैसे तो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, ना मिले तो आप घर पे भी बना सकती हैं। बूरा बड़ी आसानी से घर पर बनाई जा सकती है। ये बूरा हम भुने हुए सत्तू में मिक्स कर देंगे।
हमने बुरा रख लिया है, कम ही डाला है। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिश्रण हमारा मिक्स हो गया है। लड्डू बनाने के लिए मिश्रण हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम लड्डू बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा मिश्रण हम दोनों हाथों में उठा लेंगे, गोल करके मतलब बाइंड करके लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू अपनी इच्छा के अनुसार छोटे या थोड़े से बड़े साइज के आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। हम मीडियम साइज के लड्डू बना रहे हैं। लड्डू को हम चिकना होने तक गोल करेंगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। लड्डू सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। लड्डू के ऊपर पिस्ते से सजा देते हैं। पिस्ते हम इस तरह से सारे लड्डुओं पर सजा देंगे। आज हम आपसे एक विनती करते हैं। कोविड की वजह से कफ की परेशानी बहुत ज़्यादा फैल रही है। मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। जो चने का जो सत्तू है, उसको आप रात को सोते वक्त 250 ग्राम दूध, 2 चम्मच सत्तू के घोल कर पी के सोने से बहुत ही फ़ायदा होगा कफ में। चने का सत्तू मिलाकर पीने से श्वास की नली में जमा कफ सुबह निकल जाता है और खांसी में भी आराम मिलता है। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। आपको फ़ायदा हो तो और सभी को भी आगे आप बताएं। लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप सत्तू के लड्डू बनाइए, खाइए। अपने अनुभव मेरे साथ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।